गुड इवनिंग। यहाँ पर एडियो की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कीजिएगा। आप आज का टॉपिक है भारत का संविधान, जो कि एडियो के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, यह एडियो की क्लास वन है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार यानी कि बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यह पैटर्न आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सफलतापूर्वक दिलाएगा, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। नोट्स एंड पीडीएफ में आपको उपलब्ध भी कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एडियो की क्लासेस डेली शाम 5 बजे और सुबह 6 बजे की क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस। और साथ ही यह कहना चाहूँगा कि हॉस्टल वार्डन की तैयारी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द कराया जाएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का प्रश्न है भारत का संविधान का। एडियो टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को। ठीक है, आज का टॉपिक होगा भारत का संविधान क्लास वन। ठीक है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, केशवानंद भारती के केस का महत्व इसलिए है कि, देखिए यहाँ पर केशवानंद भारती, जय आपको संविधान का टॉपिक करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो कि मूल ढांचा से, यहाँ पर मूल ढांचा के निवास से यहाँ पर स्थान करती है। देखिए यहाँ पर इसका पहला क्या बोला गया है कि उसके कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है ना। इसके एक मिनट रुक जाइए। इसके बाद बोला गया है कि दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है, क्या है उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषता। देखिए, आपको मैं पढ़ाया था कि संविधान की जो मूल विशेषताएं होती है, जो केशवानंद भारती कैसे संबंधित है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तीसरा बोला गया है, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये गलत होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। देखिए, एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए केशवानंद भारती केस से जो संबंधित है यहाँ पर उच्चतम न्यायालय से है। अगर यहाँ पर सिर्फ, देखिए यहाँ पर सिर्फ अगर उच्चतम न्यायालय की जगह, देखिए यहाँ पर सिर्फ उच्च लिखा होगा, उच्च ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अगर देखिए उच्चतम न्यायालय की जगह यानी कि इसके जगह आपको सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बोला जाए, तो इसी को ही बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। टॉपिक चेंज भी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय की जगह आपको सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है या सर्वोच्च न्यायालय भी दे सकता है, तो इसका आंसर कौन होगा, बी होगा। केशवानंद भारती केस का जो महत्व है संविधान के मूल विशेषताओं से है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि देखिए, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है, उस देश में, एक मिनट, है ना, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है, जहाँ ए ऑप्शन कहता है कि कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, बी कहता है कि द्वितीय दल प्रणाली विकसित हुई है, सी कहता है कि पहला आए अब ले जाए फर्स्ट पास्ट पोस्ट पद्धति प्रचलित है, उसके बाद डी कहता है कि राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली के सम्मिश्रण है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा, है ना, ए भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है,
उस देश में जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा गया है तो बी होगा, अगर आवश्यक है बोला तो कौन सा होगा, पहला होगा, सी होगा और डी होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। देखिए यहाँ पर लोकहित में संकल्पना का यहाँ से कहाँ से लोकहित में मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, तो लोकहित में संकल्पना का कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये कहता है कि यूनाइटेड किंगडम से, ये गलत होगा। उस बी कहता है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी गलत है। सी यूनाइटेड स्टेट में, ये सही होगा। ठीक है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, यूनाइटेड स्टेट से हुआ था, ना कि कनाडा से, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च के सदन, यहाँ पर सदस्य की जगह सदन आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सदन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन है तो इसका आंसर कौन सा होगा। वे अविश्वास प्रस्ताव के स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। डी कहता है कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा होता है जो कि 6 माह के अंदर होता है, लोकसभा और राज्यसभा में, ना कि यहाँ पर कि ये जो दिया गया है डी बोला गया है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद बोला गया है, जबकि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में 6 माह के अंदर किया जाता है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया है, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सी ये भी गलत हो गया, तो आंसर कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह रिपीट हुआ क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष आया हुआ था। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य का वोटों की संख्या उस राज्य के जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। अब बोला गया है कि वर्तमान में यानी कि 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या द्वारा अनिश्चित संख्या से है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिएगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधान के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य का वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर यानी कि अलग अलग कर भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। उसके बाद कहा गया है कि वर्तमान में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा तथा अनिश्चित जनसंख्या से, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा सी 1971 की जनगणना के, तो ये तो गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा 1971 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, तो क्या कथित है ये चलिए देखते हैं कि कारण यहाँ पर कि कौन सा सही होना चाहिए जो भारत के संविधान में है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि संसद
राष्ट्रपति और ये द की जगह और है ना, ये अर है और है, और दो सदनों में मिलकर बनेगी। देखिए यहाँ पर बोला कि संसद, राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा, पहला व दूसरा सही होगा। भारत की जो संविधान में जो लिखा है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि संसद, राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी बिल्कुल सही है। संसद और राष्ट्रपति दोनों से मिलकर संसद बनता है ना, भारत का संविधान बनेगा, है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है, भारत के संविधान में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कथन है कि देखिए यहाँ पर, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या पालन न करता है तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है, ये तो ए का हो गया। उसके बाद कारण आर का देखेंगे, कारण आर का देखेंगे कि न्यायिक सक्रियवाद न्यायपालिका को अवमानकपूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। कथन में बोला गया है कि ए न्यायालय के आदेशों के जानबूझकर अवज्ञा करके या पालन न करता है तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचना का भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में जाता है। कारण ए का हो गया है। अब कारण आर का देख रहे हैं कि न्यायालय की सक्रियवाद न्यायपालिका को अवमानकपूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए क्या कहता है? ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा बोलता है ए आर दोनों सही हैं, ये ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है दोनों सही हैं मान लेते हैं, पर ए की सही व्याख्या तो आर नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर भी होगा, कौन सा होगा? इसका आंसर भी होगा, क्या पर ए आर दोनों सही हैं, ठीक है, ए कथन ए और कथन आर सही हैं, ठीक है, पर ए की सही व्याख्या, ए का जो सही व्याख्या है आर नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, ए जो सही बोल रहा है उसकी व्याख्या आर नहीं करता। इसका आंसर भी होगा। अब सी कहता है ए सही है पर आर गलत है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। ए गलत है पर कथन कहता है कि आर सही है, ये भी गलत होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एडीओ की क्लास चल रही है, क्लास वन है संविधान का, संविधान से पूछे जाने वाले प्रश्न कल आपको कराया जाएगा पार्ट टू वीडियो में, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 30 अंकों का, है ना, 30 अंकों का रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। इसके बाद 2-3 दिनों के बाद हम यहाँ पर, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करेंगे, यानी कि हॉस्टल वार्डन की, जो कि प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। पुराना पेपर जितना भी हो, आपको जहाँ से भी हो, नेट से मिलता हो तो नेट से, जहाँ से भी मिल जाए, आप पुराना क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ऐसे में आपको पैटर्न की जानकारी मिलेगा कि किस टाइप का आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। साथ ही आप देखिए सिलेबस साथ में रखे रहेगा, सिलेबस पास में रखिए, और क्वेश्चन पेपर है जितने पुराने वर्ष हो सबका एक साथ इकट्ठा कर लीजिएगा, चाहे छात्रावास अधीक्षक का हो चाहे एडीओ का हो। एडीओ का देखिए यहाँ पर 2012 में हुआ था और 17 में हुआ था, तो आप क्वेश्चन पेपर साथ में रख लीजिएगा और पीडीएफ को साथ में रखिए और सिलेबस को साथ में रखिए और मिलाते हुए चलिएगा। एक बार पढ़ के देखिएगा, 2 बार पढ़ के देखिएगा, 3 बार पढ़ के देखिएगा, आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है। और डेली आपको मैं कराऊँगा यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना, 5:00 बजे की क्लास रहेगी। और देखिए जल्द ही मैं आपको 2-3 दिनों के अंदर छात्रावास की तैयारी भी कराऊंगा सिलेबस के अनुसार। यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
अगर कहीं भी आपको डाउट होगा, जो आपको एडियो की क्लास अभी कराया हूँ, कहीं भी आपको डाउट लगा होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर सही तरीके से बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों।